आज मैं आप सभी के साथ सूजी से बने फ्रूट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बिना मैदा, बिना अंडा और बिना ओवन के बनाएंगे और इसे कढ़ाई में बनाएंगे सिर्फ 2 चम्मच घी में, और ये केक एकदम हेल्दी और टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कप सूजी लेंगे और ये बारीक वाली सूजी है। अगर आप यहाँ पे मोटी वाली लेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से केक बना सकते हैं। और इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर का है, ना ही ठंडा और ना ही गर्म। और इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी दूध में फूल जाएगी। और अब एक मैंने यहाँ पे बड़ी सी मिक्सी जार लिया है और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी ले रही हूँ। अगर आप पीस के ले रहे हैं तो पूरा 1/2 कप लीजिएगा। और अब जो सूजी और दूध का घोल है इसे भी मिक्सी जार में डाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी ने दूध को पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। और अब इसमें 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे 1/4 कप मैदा ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं दूध की मलाई डाल रही हूँ। आप दूध की मलाई की जगह मिल्क पाउडर ले सकते हैं, लेकिन हम सभी के घर में कभी कभी मिल्क पाउडर नहीं होता तो दूध की मलाई से बिल्कुल वही टेक्सचर आ जाएगा। और इसके वजह से मैं यहाँ पे कम घी डालूंगी जिससे हमारी केक एकदम मॉइस्ट बनेगी। तो यहाँ पे घी में सिर्फ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो 1/4 कप यहाँ पे ऑयल या घी डाल सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को डाल लिया है और अब हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए एकदम सूजी पीस चुकी है और इसका टेक्सचर बिल्कुल मैदे की तरह लग रही है। तो यहाँ पे हम केक टेन को तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने केक टेन के चारों तरफ ये घी लगा दिया है और अब इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। और इसके साइड्स में भी बटर पेपर लगा रही हूँ जिससे कि साइड्स बिल्कुल अच्छे से नरम और सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाते हैं साइड्स में तो थोड़ी सी किनारे इसके हार्ड बनती हैं। और इसमें हम टूटी फूटी डालेंगे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और अब इसमें मिला लेंगे। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ जिससे कि सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि बेकिंग सोडा खट्टी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके और ये केक को फुलाएगी। यहाँ पे देखिए केक का बैटर तैयार है और इसे अब जल्दी से हम केक टेन में ट्रांसफर कर लेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद ज़्यादा इसे आप मत फेंटिएगा, नहीं तो इसमें जो हवा भरी होती है वो निकल जाएगी और फिर केक अच्छे से नहीं फूलेगी। और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ी सी टूटी फूटी और पिस्ता डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। और अब इसमें हम केक को रखेंगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे रखेंगे और इसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और 40 से 45 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे बेक करेंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से एकदम बेक ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए केक कितनी अच्छे से फूली है, आप यहाँ पे टूथपिक या चाकू की मदद से इसे चेक कर सकते हैं। और इसे कपड़े से कवर करके रख देंगे, जैसे एकदम केक अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी इसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बटर पेपर की मदद से कितनी आसानी से केक निकल गया ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मॉइस्ट और कितनी अच्छी केक हमारी फुली फुली बन के तैयार है। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी हमारी मोस्ट केक बनी है सिर्फ 2 चम्मच घी में। और आप इसे आराम से बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, गिल्ट फ्री केक है।
और आप देख सकते हो बिल्कुल बेकरी जैसे बन के तैयार है। अगर मेरी वीडियो पसंद ट्राई करने के बाद आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। और मिलते हैं हम अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।